बहुत खूबसूरत सांगला वैली और आगे और भी खूबसूरत हो जाएगी। अभी थोड़ी फसलें कट चुकी हैं। आपको देख लिया हमने, काफ़ी जान लिया, थोड़ा सा वीडियो में मैं शायद एक्सप्लेन कर पाया जो मैंने महसूस किया है, तो ये सब। अब मैं निकलता हूँ सांगला वैली के लिए, और सांगला वैली आज मेरे को जाना ही जाना है, नहीं तो अगर आज नहीं जा पाया तो फिर मेरा मिस हो जाएगा। तो अभी थोड़ा गाड़ी फास्ट भगाना पड़ेगा और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता हूँ मैं। तो अभी गाड़ी को भगाते हैं और सांगला वैली पहुँचते हैं। 10 बज चुके हैं, एग्जैक्ट 10:02 हो गए, और अब यहाँ से निकलते हैं। अगर इससे ज़्यादा डिले करा तो पहुँच ही नहीं पाएंगे हम। ओके पाजी भाई, इनके साथ रुके थे हम, बस अभी घूम के आया मैं गाँव। हैं नाकू में ही तो हैं, मोनेस्टी से मैं गया लेक, फिर पूरा ओल्ड नाकू घूमा, धक्के खाए। चलो बढ़िया, फिर लोगों से गपशप करी। आप शायद वो विलेज देख रहे हो, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो देखो जहाँ पे खेत थे अब सब जगह एप्पल लगा दिए गए, और वो छोटा सा घर बीच में, चारों तरफ बाकी एप्पल 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 एप्पल, और नीचे भी ऐसी है, और बाकी अभी छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं नीचे, अभी बड़े नहीं हुए तो इसलिए जंगल सा नहीं लग रहा वो। तो यहाँ पे एप्पल ने मजे कर दिए इन इलाकों के, पहले बड़ी मुसीबत से आई है इन इलाकों ने, इन इलाकों ने रिमोट एरिया, ना सड़क ना कुछ ना कुछ, बस जीते थे, अब मजे हैं। एप्पल नीचे देखो, सब जगह एप्पल ही एप्पल है। वो है नाको विलेज, और उनके जो कह रहे हैं खेत है, एक तो वो लोअर इलाके में, कुछ अपर इलाके में जहाँ पे थोड़ा फ्लैट है वो नाको। अभी वो नीचे जाना में तो ऐसे लगता है पता नहीं हम कहाँ पे आ गए हैं। अब कितने प्यारे रोड बना दिए, किस कंडीशन में, इतने रिमोट एरिया में। अगर आप कुछ टाइम पहले आते तो ये रोड ऑफ रोड के बाप थे, और अब ये स्मूथ रोड के, तो बहुत चेंजेस आए हैं कुछ सालों में यहाँ पे। अब सामने एक और गांव आ गया, और ये पूरी तरह से ग्रीन है, और अब ये ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन विलेज है, क्योंकि यहाँ पर सब एप्पल ही एप्पल है। रास्ते देखो भाई, क्या सही है ना। दोस्तों जंगल दिखने स्टार्ट हो गए हैं ये वाले, यानी कि इधर स्नोफॉल भी होती है, बरसात भी होती है थोड़ा बहुत, इधर भी पेड़ दिख रहे हैं। आज का हमारा सफ़र नेकेड हिमालय से ग्रीन हिमालय तक का ही है एक तरह से समझा जाए तो, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे इंडिया की ही नहीं एशिया की क्लीनेस्ट एयर मिलती है, तो उस जगह पे जा रहे हैं। तो रिकोंगपियो कट तक हम पहुँचने ही वाले हैं, यहाँ से ज़्यादा 20 या 25 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा ही सफ़र है रिकोंगपियो तक, वहाँ पर रेस्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे। और ये हैं सबसे ख़तरनाक रोड, खतरनाक तो नहीं है बट सबसे डिफरेंट है, जो खतरनाक लगते हैं, और इनको देख के लगता है कि यार कितना मुश्किल होगा यहाँ पे बीआरओ को रोड बनाने में, और इतने स्मूथ होना नहीं है।
ओह, एक बड़ा सा पत्थर गिरा और क्या हालत हो गई गाड़ी की, एकदम खस्ता। और यहाँ पे बस यही खतरा होता है, एक और सुंदर जगह जितनी होती है उतनी खतरनाक भी होती है। और यहाँ से स्टार्ट होता है कल्पा और रिकोम्पियो का रास्ता। कल्पा यहाँ से है 17 किलोमीटर, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। और हमें जाना है मेनली चितकुल, तो अभी चितकुल के लिए चलते हैं। अगर यहाँ पे गए तो चितकुल के लिए लेट हो जाएंगे। मेरा मानना है अगर आप रिमोट एरिया में जाते हैं या ऐसे एरिया में, तो आपके पास पेट्रोल एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अभी हुआ, यहाँ पे सब पेट्रोल के लिए लाइन लगा के बैठे थे, पर किसी भी बाइक वाले को या गाड़ी वाले को 200 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे थे। रीज़न क्या है कि यहाँ पे पेट्रोल की बहुत शॉर्टेज हो गई है और ना रिकोम्पियो में है, तो जब तक नेक्स्ट गाड़ी नहीं आ जाती पेट्रोल की, तो यहाँ पे भीड़ होने वाली है। तो पर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा तेल था तो वो काम चलेगा। आगे अब पानी का एक डैम है, तो उसके साथ से ही हमारा सांगला वैली का रोड कटेगा। अभी थोड़ा सा इसके साथ साथ ही जाना है, पर ये वाला नेशनल हाईवे बहुत अच्छा बन गया है, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही। ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, पर अब सांगला वैली वाला रास्ता देखते हैं वो कैसा बना है। सीधा जा रहा है शिमला चंडीगढ़, और लेफ्ट हैंड साइड में सांगला वैली। और यही रास्ता है आज का सबसे टफ, अभी नहीं थोड़ा सा आगे जब चढ़ाई शुरू होगी, तो वो वाला रोड बड़ा खतरनाक है। अभी हम बहुत नीचे हैं, करीब 4,000-5,000 फुट के करीब होंगे, और जो चितकुल है वो लगभग 11,000 फीट के करीब है, और सांगला भी करीब 8,000-9,000 फीट के करीब है। तो यानी कि काफ़ी हाइट पे जाना है अब हमें। इधर से जो भी पानी आ रहा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, और जो उधर था उधर से मिट्टी वाला आ रहा था, और इधर का पानी कम आ रहा है और बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ये रोड नैरो है, बट रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। जब लास्ट टाइम आए थे तो हालत खस्ता थी, और जब आपको स्ट्रीक ऊपर जाना हो, रोड ख़राब हो, तो फिर हालत टाइट जाती है, पर अब भी हो जाएगी अगर कोई सामने से बड़ा व्हीकल आए। लो जी, सांगला आ गया है, और चितकुल यहाँ से 24 किलोमीटर और आ गया है। मुझे थोड़ा सा टाइम नीचे स्पेंड करना है, जो नीचे वैली है, क्योंकि नीचे की वैली बहुत खूबसूरत है, और जो भी ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं वो सांगला वैली में रुकते हैं, चितकुल घूम के वापस आके फिर सांगला में रुकते हैं, पर मेरे को चितकुल में ही रुकना है। रीज़न क्या है कि चितकुल में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण जो भी ट्रैवलर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो सांगला में रुकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, तो उनको अपना कैफ़े वैफे सब कुछ मिल जाता है। सांगला बहुत बड़ा है, यहाँ पे लगभग हर चीज़ की दुकानें, हर चीज़ मिल जाती है, और जो चितकुल है वो छोटा सा गाँव है बस। बहुत खूबसूरत सांगला वैली, और आगे और भी खूबसूरत हो जाएगी। अभी थोड़ी फसलें कट चुकी हैं इसलिए इसकी खूबसूरती थोड़ी कम हो गई है, पर मैं नीचे जाना चाहता हूँ, किधर से जाऊँ समझ नहीं आ रहा। उधर उन स्थान पे बाइक चलाने में क्या मज़ा है यार। मैं अब जा रहा हूँ नीचे, रास्ता मिल गया है, तो वैली में घूम के आते हैं यार। वैली में पहुँच ही गया हम लगभग, यहाँ पे होते एप्पल। बस एप्पल की ही तैयारी चल रही है भाई, एप्पल ही एप्पल। ओके, वापिस चले जाएंगे भैया। कहाँ जा रहे हो वैसे? मैं ऐसे राउंड मार रहा था गांव का। अच्छा, ये कौन सा भेड़ है? यहाँ पे कुछ स्पेशल है क्या भेड़? नदी के पास जाने कोई रास्ता है? नदी के पास आपको घूम के जाना पड़ेगा, बाजार होते हैं। नहीं नहीं, 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 नहीं।
वापिस सर, वापिस वापिस है, नहीं अब तो वापिस आए। ठीक है, ऊपर से जो व्यू दिखता है ना वो कहीं से नहीं दिख सकता। और ये सब एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, बस किनारों पे कोई और हैं देवदार वगैरह के, बाकी बीच में सारा एप्पल है। और एप्पल के बीच में घास फूस बोई हुई है पशुओं के लिए, या छोटी मोटी छोटे मोटे वेजिटेबल्स हो गए डेली के यूज के लिए वगैरह वगैरह। लो जी रक्षम आ गया, ये गांव घूमते हैं ये रक्षम। हमारे पास टाइम तो है, और शायद ये जो दिख रहे हैं आपको इनमें अनाज स्टोर करते हैं। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, और यहाँ से 12 किलोमीटर है। ओए ओए, ये जगह देखो सर, ये स्टोर हाउस होता है ना, ये स्टोर हाउस होता है ना, ये क्या होता है इसमें? इसमें घर है अंदर सोने, ये घर है, घर है, राशन सर्दी में राशन पानी रखते हैं ना। हाँ राशन पानी रखते हैं, हाँ स्टोर हाउस है ना, स्टोर समझो। हाँ जी जी, सर्दी में लेते यहाँ लेके इतना नंबर होता है, हवा में आते लेते हाथ लेते। अच्छा ये स्टोर हाउस है गाँव का, ये घर हो गया, ये हाथ में रहते हैं, ये स्टोर। ये जगह देखो कितनी प्यारी, कितनी सुकून वाली है। अच्छा ये ग्राउंड आ गया, कूल। स्कूल है ये, प्राइमरी स्कूल, तो वो शायद हाई स्कूल है। ये देखो इस घर ने कितना सुंदर लग रहा है, एप्पल के बीच में फूल उगा रखे हैं, गोभियाँ गोभी उगा रखी है, और बाकी वेजिटेबल्स उगा रखे हैं, तो फुल ग्रीन है ये इलाका, फुल ग्रीन। और ये गांव है भी बहुत साफ सुथरा। अब आएगा आर्मी का चेक पोस्ट, और यहाँ से 10 किलोमीटर है चित्तौल। क्या जगह है, फसल कट गई है इसलिए हरियाली कम हो गई है, पर ये लालिमा शायद बात पहले देखने को ना मिलती, जो रेड 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 खेत है। चित्तौल आ गया, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, इसके आगे आर्मी जाने नहीं देती, और ये लास्ट विलेज है, इसके आगे केवल आर्मी के कैंप्स हैं। ओह अभी खेतों में काम चल रहा है भाई, सर्दियों के लिए इकट्ठा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी कड़ाके की पड़ती है, -30-35 तक पहुँच जाता है, और बर्फ भी कड़ाके की होती है ज़बरदस्त। यहाँ पे शायद ही एप्पल हो, क्योंकि इतनी ठंड बर्फ़ पड़ती है तो एप्पल टिक नहीं पाएगा शायद इस जगह पे। और यहाँ पे टावर भी लग गए भाई, पर पता नहीं चल भी रहे कि नहीं चल रहे। ऊपर जाओ थोड़ा सा, पूरे गांव का व्यू देखने को मिलेगा, और सही है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मैं अभी चित्तौल में हूँ, तो चित्तौल और रक्षम की भाषा थोड़ी सी चेंजेज है, तिब्बती मिक्स है। बाकी एक चीज़ और है, इधर की जो हवा है वो हिंदुस्तानी की सबसे प्योर हवा में से एक है, सबसे शुद्ध हवा है, तो ये कारण है यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है। और सबसे शुद्ध हवा यहीं पर है जैसी गाँव की।